સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક રોજે રોજ સામે આવે છે ત્યારે ભેસ્તાના આવાસમાં માતાભાર ઇસમ દ્વારા મહિલા પર જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો। સુરતમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બની રહ્યા છે ત્યારે ભેસ્તાના આવાસમાં રહેતા કાસી ઉર્ફે કટેલા દ્વારા મહિલાઓ સહિતના ઉપર હુમલો કરાયો હતો। વાત એમ છે કે ભેસ્તાના આવાસમાં સી બ્લોકમાં રહેતા કાસીમ ઉર્ફે કટેલા તથા તેનો ભાઈ સઈદ વઝીર શેખ અને ભત્રીજો સાબિર સઈદ શેખ દ્વારા ઉછીના રૂપિયા માંગવા જતા શકીલના ફિરોજ શેખ નામની મહિલા તથા મુસ્કાન અને ગુલામ હુસેન પર તલવાર તથા રેમ્બો છરા વડે હુમલો કરાયો હતો, જેને લઈ ઇજાગ્રસ્ત મહિલાઓ સહિતનાઓને હોસ્પિટલે ખસેડાયા હતા। બનાવને લઈ આખા વિસ્તારમાં ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। વિસ્તાર આવાસમાં ગયે તેમ વહાં પે કાસિમ ઓર સઈદ ઓર ઉસકા છોકરા લોકોને સબને તલવાર ઓર ચાકુ સે હમલા કરા ઓર મેરી બહેન કે સિર મેં માર દીએ તલવાર ઓર પૂરી તલવાર સે પૂરા સિર ફટ ગયા ઓર ઉસકી સિરિયસ કન્ડિશન હૈ। अभी वो सिविल में लेके आए ले, अभी आईसीयू में है वो। अभी उसका कोई डॉक्टर ने कोई जवाब दिया नहीं क्या है, क्या है क्या नहीं, आगे का देखते अभी क्या होता है क्या नहीं, अभी क्या कुछ बोला नहीं। हम लोग आज वहाँ गए थे उसके पैसे लेने मेरी बहन के, हमारे पास उसका प्रूफ भी है। मेरे हस्बैंड ने कासिम वजीर से एक नाम है, उनको कासिम चीचा बोलते, तो उनके पास लिखान भी लिया है हमने पैसों का। तो हम लोग पैसे लेने गए थे, मेरी बहन मेरे पास पैसे लेने आई थी, मैंने कहा चल मेरी सास के वहाँ है वहाँ जाते हैं। अब वो जैसे पैसे लेने गए ना, तो वैसे मेरा जेठ था और मेरा हस्बैंड बहुत दारू पिया हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्ट हम लोग से गाली गलौज करना चालू कर दिया। और तो फिर मेरे बहन ने और हमने सबको बुलाया, भाई पैसे नहीं दे रहा है ये, तो अब क्या करना है। तो बैठकर बात करने के लिए बुलाया, तो डायरेक्ट इन लोग पूरा तैयारी से बैठे हुए थे कि भाई ये आए और इनको मार ही ले डायरेक्ट। तलवार सामान डंडे फटके जो मिला वो तीन थे, एक साबिर सईद वजीर शेख, कासिम वजीर शेख और सईद वजीर शेख, ये तीनों है। और वो तीनों अभी हालांकि पुलिस वाले आ गए थे वहाँ पे, तो पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। बस हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो छूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो चोर है बराबर, उनका धंधा ऐसा है, बहुत केसेस है उनके ऊपर भी। बस हम चाहते हैं कि वो मर्डर आरोपी है। हाँ, वो बस इतना ही चाहते हैं हम, क्या कि हमको धंधा करते हैं वो चोर है, क्या चीज की चोरी है भाई, वो रिक्शा में पॉकेट मारे है और लूट भी चढ़े लिए, उदना में भी लूट चढ़े लिए, ये सब है, बहुत ही केसेस है। उसका नाम डालेंगे रीडा गुनेगार है वो, ऐसी बात है। अब कमिश्नर साहब आए तो आप उनसे क्या कहना, हम कमिश्नर साहब से इतना ही कहना चाहते हैं कि देखो ऐसी इनको नसीहत दो कि बेस्ताना आवास में कोई किसी के ऊपर हाथ ना उठाए, फिर कोई लेडीज के ऊपर हाथ उठाए नहीं, गली में भी जो जाता है उसके ऊपर खुलेआम तलवार निकालते हैं, सामान मार देते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या मतलब का भाई। जब लेडीज़ों को ऐसा मारेंगे तो फिर ये तो और उनका देख के दूसरे भी सीखेंगे कि चलो भाई इसने मार लिया, अभी ऐसा करो वैसा करो, अभी एक ने इसको मार दिया, अभी चलो दूसरा भी मार लेंगे, क्या टूटेगा, ऐसी बात है। पुलिस वाले को जेब में रखते हैं और ये देखो हाथ पे पूरा तलवार मारी है मेरे को, ये पीछे कमर पे मार पूरी, ये देखो उसके कपड़ा कपड़ा फट गया है। वो तो अच्छा है कि अभी इसको हटा दिया था वहाँ से, वरना कितना खराब लगता उसको, वो बहन के सिर पे पूरा फट गया है, पूरा यहाँ तक का पूरा वीडियो उतारा है वो, हम देखे वीडियो।